वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्पेशल एक्सरसाइज फॉर शोल्डर, कंधों के लिए स्पेशल, कंधों में किसी भी तरह का दर्द हो उसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज। तो आइए करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए, किसी भी सुखद आसन में बैठिए। मैं पद्मासन में बैठा हूँ, आपको पद्मासन में बैठना जरूरी नहीं है, कुर्सी पर भी बैठकर भी कर सकते हैं और जमीन पर बैठकर भी कर सकते हैं। कंधों को एंटी क्लॉकवाइज आगे से पीछे गोलाकार घुमाएं। यस, 1, 2, 3, 4, 5 उल्टी दिशा में। अब पीछे से आगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब उंगलियों को मिलाएं, कंधों पर स्थापित, चेस्ट के सामने कोहनी रखें। एक श्वास भरते हुए पीछे, दो श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब साइड में लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। एक, दो श्वास छोड़ते हुए पसलियों से लगाएं। एक दो। अब चेस्ट के सामने रखिए, कोहनियों को आगे से पीछे गोलाकार। एक श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5। अब उल्टी दिशा में आगे से पीछे, 1, 2, 3, 4, 5। संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, तैयार। दोनों हाथ घुटनों पर। अब राइट कंधे को श्वास भरते हुए आगे ले जाएंगे और लेफ्ट को पीछे धकेलेंगे। यस, 1, होल्ड करें। अब लेफ्ट को आगे, 2, 1, 2, 1, 2। संपन्न। अब दोनों हाथ कंधों के समानांतर ऊपर से नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ नीचे की ओर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हाथ को टर्न दीजिए पीछे की ओर, 1। देखिए कंधों पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, तैयार। कंधों के लिए स्पेशल एक्सरसाइज बता रहा हूं भैया। हाथ की आकृति इस तरह बनाएं, कमल के फूल की तरह। अब इसको बाहर की ओर टर्न दीजिए, पूरा कंधा प्रभावित होता है। सामने ले जाइए, अब अंदर की ओर लाते हुए कलाई से आइए पीछे, पूरा कंधे का भाव प्रभावित होता है। अब ऊपर जाइए, बाहर की ओर निकालते हुए ऊपर। अब इनसाइड आइए नीचे, कलाई से पूरा टर्न। अब साइड में ले जाइए, अंदर इस तरह लाइए, अंदर। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, बेहद इफेक्टिव एक्सरसाइज है। यस, एक बार पुनः करिए, बाहर की ओर सामने हाथ फैलाएं। अब इनसाइड आइए पीछे, अब ऊपर,
Pune Insight. आप सर कंधों के पैरेलल ले जाइए साइड में आइए. संपन्न दर्द हो रहा तो थोड़ा प्रेशर दे दीजिए, दोनों हाथों को क्रॉस करिए इस तरह और प्रेशर दीजिए थोड़ा, पहले राइट फिर लेफ्ट. अब राइट हाथ को ऊपर ले जाएं पीछे की ओर और लेफ्ट से कोहनी पकड़ के पीछे ले जाएं. एक ढीला छोड़े, दो टाइट, एक लूज, दो टाइट. अब लेफ्ट हैंड से करें, एक दो, एक दो, एक दो. संपन्न. एक कंधों से रिलेटेड एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज और बताने जा रहा हूं, वो करते आपको तुरंत आराम मिलता है. पंजों के बल एड़ी ऊपर बैठ जाएं इस तरह, राइट हाथ की इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लेफ्ट हाथ की इंडेक्स और मिडिल फिंगर को राइट हाथ की दो उंगलियों से पकड़ें और इसको गोलाकार घुमाएं. थोड़ा सा आगे झुके, देखिए कंधों पर जबरदस्त प्रेशर आता है इससे. धीरे धीरे लाएं, एक बार और करें. कंधों का कोई भी दर्द नहीं, बड़ी जबरदस्त राहत मिलती है इससे. यस टर्न दें, धीरे धीरे नीचे आए. अब एक अंगुली से करेंगे, लेफ्ट की तर्जनी को राइट की तर्जनी से पकड़ेंगे, घुमाएं गोलाकार. यस थोड़ा सा आगे झुकें, कंधों पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करें. धीरे धीरे नीचे, एक बार और. टर्न, धीरे धीरे नीचे. संपन्न. अब आप वज्रासन में बैठे हैं, पैरों में फासला, राइट हाथ राइट साइड, लेफ्ट हाथ लेफ्ट साइड. सामने देखें और धीरे धीरे सांस भरते हुए पुनः नीचे. एक बार और, राइट हाथ लेफ्ट कंधे पर, लेफ्ट राइट पर. धीरे धीरे सामने. अब हाथों में लॉक लगाएं, ऊपर नीचे, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो. संपन्न. ये सभी एक्सरसाइज आपको कंधे के लिए बताई गई है. कंधे में किसी भी दर्द का दर्द हो, फ्रोजन शोल्डर भी इससे ठीक हो जाता है. और फ्रोजन शोल्डर के लिए स्पेशल एक्सरसाइज और बता रहा हूं, डमरू. राइट हाथ को इस तरह खोलिए, उंगलियां खोलिए, हाथ को डमरू बजाइए. डमरू की तरह बजाना है, देखिए आप इस तरह, एक दो तीन, इस तरह आप 5 to 10 times कर सकते हैं. अब लेफ्ट से करिए, किसी भी तरह की तकलीफ दूर हो जाती है शोल्डर की, फ्रोजन शोल्डर हो कुछ भी हो. संपन्न. तो हर एक्सरसाइज आप 5 बार 10 बार हम आपको बता रहे हैं, तो कोई 3 बार बता रहे हैं, आप आराम से करिए. कंधों की कोई भी तकलीफ हो इससे आपको अच्छी राहत मिलेगी. और आज का वीडियो स्पेशल कंधों के लिए था, शोल्डर के लिए था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा. हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके, हर वीडियो की जानकारी मिल सके. करें शेयर, करें लाइक, करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालें. इसी भावना के साथ ओ